बताने वाला हूँ कि वन कार्ड, वन कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको आपकी सिविल स्कोर के हिसाब से तो मिलता ही है, लेकिन आपका सिविल नहीं भी है, कम भी है या कुछ भी नहीं है तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, आपको उसके लिए फॉर्म भरना होगा और वो फॉर्म वाला मैं लाइव तरीका आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा। इसके लिए कुछ टर्म्स है कि जैसे आप पीवीसी वाला लेते हैं तो उसकी टर्म्स है कि कम से कम आपको 5,000 रुपए की एफडी करवानी होगी, या तो अगर से आप मेटल बॉडी वाला लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 तक के इसमें एफडी करवानी पड़ सकती है। लेकिन इसमें एक और फायदा ये भी है कि आप एफडी करवा देते हैं तो एफडी करवाने के बाद अगर से आप इस पैसे को निकालना चाहते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल हो चुका है, तो आपको इंटरेस्ट पर रेट के हिसाब से इसे वापस पैसे मिल जाते हैं, आपको इसमें कम पैसे या कटकर पैसे नहीं मिलते। इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला जो क्रेडिट कार्ड है वन कार्ड है, बहुत ज्यादा इसके डिमांड है। मतलब देखिए आप खुद इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए वन कार्ड सर्च कर लीजिए। वन कार्ड सर्च करने के बाद जो ब्लैक वाला आपके सामने आ जाएगा आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है, इसकी रीडिंग जो आप देखेंगे तो 4.4 स्टार इसकी रीडिंग है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर इसके हैं, मतलब एक्टिव इसके पास में अभी डाउनलोडर मौजूद है। देखिए कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आता है। इसकी कुछ टर्म पॉलिसीज है कि आप अगर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसमें दो कार्ड होते हैं, आप ये जानते हैं कि एक पीवीसी वाला एक मेटल वाला। मेटल वाले के लिए आपको थोड़ी ज्यादा एफडी करवानी होगी, यानी कि 50,000 एफडी करवानी होगी, और जबकि पीवीसी वाले के लिए आपको 2,000 से 5,000 तक की एफडी करवानी पड़ सकती है। लेकिन अगर से आपका सिविल बहुत ठीक ठाक है, यानी कि आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर है, तो आपको सिविल इसमें एफडी करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ये मेटल वाला बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा। देखिए किस तरह से उसका फॉर्म भरना है, मैं फॉर्म भरने का आपको तरीका बता देता हूँ, आप किस तरह से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में ये आपके घर के पते पर या आपके पास में जो भी शॉप आप जो जिसमें इसका पता डालेंगे वो आपके पास में पहुंच जाएगा। देखिए आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद में उसे ओपन कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा, आप ब्लैक वाला इस तरह से ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद में देखिए आपको किस तरह से फॉर्म करना है, पूरा सही तरीका बताऊंगा कि कार्ड आपका कैंसिल होगा। इसके बाद में गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपका मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई फोन नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर उसमें ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आप जिस ईमेल से इसे जोड़ना चाहते हो उस ईमेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद में आपके ईमेल पर भी ओटीपी आ जाता है और आपको रजिस्टर बता दिया जाता है। देखिए इस तरह से ईमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद में ये वेरीफाई ईमेल को कर देता है वेरीफाई, यानी कि जिस तरह मोबाइल नंबर से ओटीपी आकर वेरीफाई हो जाता है उसी तरह ईमेल वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड, यानी कि आप अपने हाथों से इसमें पासवर्ड को सेट कर लीजिए। देखिए आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं सेट कर लीजिए, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको ये आगे के पेज पे ले जाएगा। आगे का पेज किस तरह से भरना है वो भी आपको बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा, ठीक ठाक भरिएगा वरना आपका वन कार्ड कैंसिल हो सकता है। देखिए कंफर्म डिटेल में आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट नेम आपको डाल देना है, फर्स्ट नेम जो पेन पर है वही डाल देना है। देखिए बता भी रहा है कि पेन पर जो नाम है वही डालिए, और लास्ट नेम आपको डाल देना है, लास्ट नेम आपका जो आखिरी का नाम होता है वो नाम डाल देना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, यानी आपकी डेट जो भी है आपकी पैदाइश तारीख उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में आप मेल है फीमेल है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद वेट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में हाउस नंबर फ्लैट नंबर आप जो मकान में रह रहे हैं, यानी कि आपके बिल्डिंग का नंबर अगर से नहीं है तो आपका घर का नंबर, या आप जो एरिया में रहते हैं उस घर का कोई भी नंबर अगर से है तो उसका नाम नंबर सही से डाल दीजिए ताकि आपका वन कार्ड आने में आसानी होगी। उसी पते पर आएगा जो पता आप यहाँ पर डालेंगे। आपका एरिया डाल दीजिए, आपका एरिया प्लाट महिला जो भी आपके पहले प्लाट का नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में आपको लैंडमार्क यानी कि आपकी शॉप का नाम भी डाल सकते हैं आप, या तो आपके पास में जो कोई भी आपके नजदीक पास में, या आप छोटे गांव में रहते हैं तो कोई फेमस दुकान या कोई जिसे सब पहचानते हो या डाकिया पहचानता हो वो दुकान का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, या आपके पास शॉप है तो आप शॉप के लिए शॉप का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको शॉप नंबर डाल दीजिएगा, आपके शॉप का नाम डाल दीजिएगा। देखिए इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद में पिन कोड, यानी कि आपके पोस्टल कोड जो पिन कोड पे आपका जिस पते पर ये वन कार्ड आएगा, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड आएगा उसमें पिन डाल दीजिए। पिन डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपका पैन कार्ड नंबर, जो पैन कार्ड नंबर है आपका सही से डाल दीजिएगा। आपका पैन कार्ड नंबर अगर आप सही से नहीं डालेंगे तो ये
फिल नहीं होगा। आपका पिन कार्ड नंबर आप पिन कार्ड पे देखकर सही से कंफर्म करके डाल दीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए। उसके बाद तीर के निशान पर अगर से आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वरना आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में कुछ इस तरह का लोड होगा और आगे के आपको पेज पर ये ले जाएगा। देखिए कंग्रेचुलेशन यू है अनलॉक। देखिए स्टार्ट अगेन पे क्लिक कर दीजिए, दोबारा स्टार्ट होगा, फिंगरप्रिंट से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद में जब ये स्टार्ट होता है तो आपको देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका नजर आता है, यानी कि आपको इसमें जो क्रेडिट कार्ड मिलना है वो बताता है। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपका एड्रेस अगर सही है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंफर्म एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में देखिए आप जितने की एफडी बनाना चाहते हैं, इसमें कम से कम लिमिट पिछले उसमें 2000 थी लेकिन अब 5000 हो चुकी है। 5000 रुपए आपको कम से कम इसमें एफडी करवानी होगी। ये आपका सिविल अच्छा है तो आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप इसमें एफडी करवाते हैं तो एफडी करवाने के फायदे भी है इसके अंदर के। आप एफडी करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट पर रेट एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। देखिए इस तरह से आप 5000 रुपए इसमें एफडी कर अप्रूव क्रेडिट लिमिट, यानी कि आपकी 5000 रुपए इसमें लिमिट सेट हो जाएगी अगर से आप कम में लेते हैं तो। देखिए उसके बाद में जीरो फीस है, नो ज्वाइनिंग रेनुअल फीस ऑन कार्ड, कार्ड कंट्रोल्स, यानी कि ये ऐप से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ईएमआई है, ऑनलाइन शॉप है जिससे आप इसे परचेज कर सकते हैं कोई भी सामान को। उसके बाद में अगर से एफडी को खत्म कर देते हैं, यानी कि आप अपना कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है बंद करवाना चाहते हैं और आपके पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो आपको ये पैसे काट कर नहीं देता। जो एफडी पर आपका इंटरेस्ट पर रेट यानी ईयर पर ईयर हुआ है, वो ईयर के हिसाब से आपको एफडी कटने के बाद में आपका कार्ड तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आपने जो उससे क्रेडिट से शॉपिंग की है अगर से आपको उसको पे कर देते हैं तो आपको पूरे एफडी सही तरीके से वापस मिल जाएगी। वरना अगर से आप ये करते हैं कि आप शॉपिंग कर लेते हैं और पे नहीं करते हैं तो आपकी एफडी कट जाएगी या आपका कार्ड ही ब्लॉक ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए एफडी भी वापस नहीं मिल सकती। इसीलिए जो भी आपने क्रेडिट कार्ड से परचेज किया है उस आपने अपना कार्ड को ब्लॉक कर दे, इस तरह से आपका कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा। और मैंने जिस तरह से आपको बताया उस तरह से आप एप्लीकेशन को वन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये था सिंपल सा आसान तरीका